हेलो स्टूडेंट्स, आज अपेक्स पब्लिक स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभय चंद चक्रवर्ती, हिंदी शिक्षक। आज बच्चों, हम लोग पाठ दूसरी उठो लाल और अब आंखें खोलो पाठ चार में ये दिया गया है और जिसे हम लोग इससे पहले भाग में देख लिए। आज हम लोग कक्षा दूसरी भाग को में प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्न उत्तर भाग को देखेंगे। तो बच्चों, पहले हम लोग ध्यान देंगे कि मौखिक प्रश्न में है कौन किसको जगा रहा है। प्रश्न में इसका उत्तर होंगे कि एक माँ बेटे को, देखिए रात बीतने पर क्या खुला। बच्चों, जैसी रात बीती क्या खुला, रात बीतने पर रात फूल, हम लोग कमल का समूह बोल सकते हैं, है रात बीतने पर क्या खुला है, रात बीतने पर कमल का समूह खुला है, यानी कमल का जो फूल है अगले सूर्य निकलने से पहले जो कली के रूप में थी, जैसे सूर्य उदय होते ही वह खुल गई अर्थात खिल गई। पेड़ों पर कौन चहक उठा, बच्चों पेड़ों पर चिड़िया चहक उठा है। अगला प्रश्न है, फूल खिलने पर कौन मुस्काया है। तो बच्चों, हम देखेंगे फूल खिलने पर कलियां मुस्काया है। आइए बच्चों, एक अगला प्रश्न देखेंगे, कविता में क्या नहीं खोने को कहा गया है। तो बच्चों, कविता के आधार पर कविता में सुंदर समय को नहीं खोने, कविता में सुंदर समय नहीं खोने को कहा गया है। प्रश्न है, कविता में अब क्या नहीं करने को कहा गया है। तो बच्चों, कविता में अब समय को सोकर, इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बच्चों, जैसे एक नई सुबह होती है, नई उमंग के साथ आप लोग आते हैं और एक नई चेतना को जगाते हैं, और इस प्रकार नई सुबह में एक नई उमंग को पूर्ण रूप से देकर हमें अपने भविष्य का निर्माण करें। इस प्रकार कविता के माध्यम से कवि उठो लाल अब आंखें खोलो कविता का वर्णन किया है। इस कविता के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इसके लेखक हैं यानी कविता हैं सोहनलाल द्विवेदी। अब जो हम लोग लिखित प्रश्न में आएंगे, ये सब आप लोग मौखिक प्रश्न से 6 प्रश्न दिए गए हैं, अब हम लोग लिखित प्रश्न को देखेंगे। लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न एक, पहला प्रश्न, पानी कौन लाया है, और किस काम के लिए लाया है। सुन बच्चों, ध्यान देंगे, इसका उत्तर, पानी मां लाई है और अपने बेटे को जगाने के लिए पानी लाई है कि बेटा सुबह हो गई
आंखें खोलो और मुंह धो लो। इस प्रकार अपने बेटे को जगाने और उसको मुंह धोने के लिए उसकी माँ पानी लेकर आई और उसे जगा रही है। तो प्रश्न का उत्तर यही है कि पानी माँ लाई है और अपने बेटे को जगाने के लिए पानी लाई, वो हो गई या आंखें खोलो और मुंह धो लो। अगला प्रश्न है, लाली कहाँ छाई है? लाली कहाँ छाई है? बच्चों इसका उत्तर हम लोग छोटे से ही उत्तर में इसको हम लोग दे सकते हैं कि लाली आसमान में छाई है। लाली आसमान में छाई है। लाली का अर्थ होता है बच्चों जैसे ही सूरज का उदय होता है आसमान में लाली माँ छा जाती है, वही है लाली। अगला प्रश्न है, इसको हम लोग देख रहे थे, सूरज आने पर क्या हुआ? बच्चों जैसे एक नई उमंग नई चेतना के साथ सूरज का प्रकाश हुआ, सूरज आसमान में लाली यानी लालिमा छाई और अंधकार का अर्थात अंधकार दूर हुआ। तो सूरज आने पर बच्चों चारों और प्रकाश हुआ। अगला प्रश्न है, अंत में मां बेटे से करने को, एक मां अपने बेटे को अंत समय में कह रही है कि अंत में मां अपने बेटे से यह कह रही है कि बेटा तुम अब समय को पहचानो और इस सुनहरा समय को मत खो। इस पाठ में इस प्रकार मार्मिक दृश्य दिया गया, एक माँ अपने बेटे को इतना संस्कार कितनी उसकी भलाई की बात कर रही है कि बेटा अब अंत समय में मैं तुमको यह कह रही हूं कि अब अपनी इस सही समय को पहचान लो और सुनहरा समय को मत खो और अपने काम में लग जाओ। हम लोग देखें लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न था, पानी कौन लाया, तो पानी किस काम के लिए? तो बच्चों ध्यान देंगे तो पानी एक माँ लाई और अपने बच्चों को जगाने के लिए कि बच्चे बेटे तुम उठ जाओ और मुंह हाथ धोकर एक नई ताजगी से नई उमंग से अपने काम में लग जाओ। अगला प्रश्न है दो नंबर, लाली कहाँ छाई है? बच्चों इसका आंसर हम लोग कि लाली आसमान में छाई है। प्रश्न तीन है, सूरज आने पर क्या हुआ? तो सूरज आने पर चारों ओर प्रकाश हुआ और अंधकार का नाश हुआ। जैसे सूरज का प्रकाश होती है चारों ओर अंधकार हट जाता है
और चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। अगला प्रश्न है, अंत में माँ बेटे से क्या ना करने को कह रही है। तो अंत में माँ अपने बेटे से यह कह रही है कि बेटा तुम अब जग जाओ और अपने सही समय को पहचानो और इस सही समय को मत खो। तो बच्चों अब इसे आप लोग कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसे आप लोग हल करेंगे। लिखित प्रश्न पूरा उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें। यानी लिखित प्रश्न कितने हैं? चार हैं। तो लिखित पूरे चार प्रश्न को लिखकर याद करें। धन्यवाद।